साहब कहा लड़के में तू मेरी बेटी का रेप कर साहब दोनों का ही सबूत मार पैसा पैसा साहब पैसा नहीं मेरे कुछ नहीं होता यार साहब पैसा नहीं मेरे पास बिना पैसे के कुछ नहीं होता बगैर पैसे कुछ नहीं होता समझ गया सर आइए ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं दामा जी हरीश दामा जी सर का आदेश था सर ने वो बोला कि हम लोग सब मिलके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमने पूरी टीम विथ राइटर हमने टीम पूरी इकट्ठा किया और फिर बड़ी पॉजिटिविटी सर की हरीश सर की स्टोरी है सर ने बड़े काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने काफ़ी टाइम रिसर्च किया फिर उसके बाद हम लोगों ने फाइनल राइटर के पास बैठ के हमने ये कॉन्सेप्ट रेडी किया और ये पॉजिटिविटी कॉन्सेप्ट है जो कि एक बहुत अच्छा सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जो मतलब पूरी फिल्म में स्टार्ट टू एंड तक बांधे रखती है और हरीश सर ने मतलब इतनी बेहतरीन प्रोड्यूसर होते हुए भी उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है अच्छा बाकायदा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हमारे डीओपी साहब राजेश कनौजिया जी इन्होंने बहुत भरपूर मतलब जो हमारी पूरी टीम का सहयोग दिया जिससे हमें एक पॉजिटिविटी एनर्जी आई। सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद करता हूँ मैं जो आप हमारे सेट पर आए और बाकी जो हमारे पवन जी है राजू जी है उनके होते हुए इन दोनों के होते हुए मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई जिम्मेदारी भी है सारा काम वो संभाल लेते हैं बाकी हमारे आर्टिस्ट हमारे टेक्नीशियन सारे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पहले से लास्ट तक उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया कि लगता नहीं कि हम पराए हैं ऐसा लगता कि मैंने बहुत पिक्चरें बनाई है बल्कि मेरी पहली पिक्चर है ये। निर्माता के लिए तो बहुत कुछ तकलीफें आई और आगे भी आएगी लेकिन हमारे सहयोगी जो हैं राजू जी पवन जी उनकी वजह से काफ़ी तकलीफें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई ऐसा लगता नहीं कि मैं तकलीफ़ में हूँ या आऊँगा और आसानी से बहुत अच्छी पिक्चर बनी और पिक्चर ऐसी बनाई है क्योंकि मैं भी एक ऑडियंस की तरह पिक्चर देखा है और देखता हूँ कि ऑडियंस को क्या चाहिए ऑडियंस कैसे बैठेगा तो वो सब ध्यान में रखकर हमने वो स्टोरी मैंने उनको पवन जी को बताया उस हिसाब से उन्होंने राइटर से स्टोरी कंप्लीट करी। सर मैं इस पिक्चर में एक नौकर हूँ मेरा नौकर का रोल है एक हवेली केयर टेकर हैं जो कि पूरी हवेली इनके अंडर में है और चार लड़के जो आते हैं फिल्म में वो एक्चुअली में पिकनिक चार कपल्स आते हैं 5 कपल्स तो पूरी फिल्म में मतलब वो आते हैं और फिर वो कैसे कैसे फंस जाते हैं पूरी फिल्म में सस्पेंस है कॉमेडी है मर्डर मिस्ट्री है। एक्चुअली में हमारे यहाँ जो कास्ट है रूपा जी हैं और चंदन राणे जी हैं सब न्यू कास्ट है लेकिन हमारा सब्जेक्ट इतना मतलब भरा हुआ सब्जेक्ट है कि जो कि मतलब ऑडियंस को मतलब जोड़ के रखता है पूरी सस्पेंस है पूरी फिल्म में कहीं भी मतलब ये नहीं है कि हमें फिल्म से खालीपन लगता है। हाँ फिल्म का मैसेज है कि देखिए कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता कभी भी फिल्म में आप ये दिखाया है कि आप जो किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हो तो कभी ना कभी आपको धोखा भी खाया इसीलिए कभी भी किसी के साथ उतना ही भरोसा करो जितना कि एक जायज़ हो। गीतकार हैं हमारे फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो हर्ष शर्मा जी हैं जो उन्होंने काफ़ी फिल्में की है A.R. रहमान साहब के है जय सुसेट उन्होंने उनके साथ काफ़ी किया है फिर राजीव मोना जी हैं और रानी हजारिका जी का पार्टी सॉन्ग है खुशबू जैन जी का आइटम सॉन्ग है बिनोद राठौर साहब हैं मतलब सारे गीत जो हैं सब भरे हुए हैं सारे मार्केट सिंगर्स के साथ होने सर हम लोगों ने पूरी फिल्म की शूटिंग शेड्यूल भोपाल में कंप्लीट किया है और हम लोग मतलब फिल्म में आज हमारा ये फाइनल है लास्ट है। फिल्म मैं शुरू से जुड़ा हूँ फिल्म हम लोगों ने पूरा भोपाल में शूट किया और ये फिल्म बहुत अच्छी है पूरा सस्पेंस है और अगर हम लोग इसमें कुछ तो बताना नहीं चाहते स्टोरी का क्या है क्या नहीं तो इसके लिए पब्लिक आके देखे तो ज़्यादा अच्छा है इनका क्या रोल है बाकी क्या है 5 बजे तक है कोशिश पूरी कि जल्द से जल्द। किरदार मेरा इसमें एज ए लीड रोल है और इसमें मैं एक प्रिया कैरेक्टर का प्ले कर रही हूँ और हमा जी हमारे प्रोड्यूसर हैं और चंदन जी हैं जोया जी जैसे बताया और रोहन जी इसमें 5 कपल है जो एक टूर के लिए निकलता है कुछ घटनाएं होती हैं कुछ घटित होता है सो इसमें जो टाइटल है बदतमीज़ लव और उसमें ले दे के एक इसमें कुछ है जिससे टाइटल रखा गया है बदतमीज़ लव लड़के हैं कुछ बदतमीज़ियाँ करते हैं पब्लिकों को जो काफ़ी पसंद आएगी। हाँ और हमारे डायरेक्टर हैं पवन सर और आप लोगों ने मुझे कास्ट किया। बहुत अच्छी स्टोरी है और पारिवारिक फिल्म है, साफ़ सुथरी फिल्म है, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा और मैं साफ़ सुथरी फिल्में करती हूँ। पहले तो मैं सारे मीडिया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए और हम लोग को मौका मिला। इस फिल्म को लेके हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छा लगा इसमें काम करके। और मैं अपने डायरेक्टर पवन जी और हमारे दामा सर प्रोड्यूसर और डीओपी राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो काफ़ी सपोर्ट किए और काफ़ी हम लोग मेहनत से काम किए। और हमारे सारे लोग रोहन जी और जोया और हमारी हीरोइन रूपा जी, सब लोग एक बहुत अच्छा मिलके हम लोग ने काम किया और काफ़ी मेहनत के साथ काम किया। और इस फिल्म में जो भी सारी चीज़ें हैं वो पब्लिक जब देखेगी उसे बहुत अच्छा लगेगा और एक मैसेज जाएगा कि आज के डेट में जो घटना है, जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही है, तो उस पर थोड़ा सा उनके पेरेंट्स, तो जब पब्लिक जाएगी मूवी देखने तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। जी बेसिकली जो एक मूवी है न्यू कॉमर्स के ऊपर है और एक बहुत ही अच्छी मूवी है। इसके अंदर कोई गंदे सीन्स नहीं है, बेसिकली क्लीन, बहुत क्लीन मूवी है। और जो हमारे दामा जी हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया, हमें इन्हें अच्छा मौका दिया इस मूवी के अंदर काम करने का। और मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट है एज अ मूवी के अंदर, सो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। और जो ये मूवी है ये बेसिकली एक पारिवारिक मूवी है, इसको फैमिली भी देख सकती है। ये नहीं कि कुछ ज़्यादा रोमांटिक सीन है, इसमें हंसी मजाक भी है और रोमांस भी है। बहुत ही एक अच्छी मूवी है, तो आप सब इसको ज़रूर देखिएगा। पूरी मूवी में सब लोग को हंसा रहा है, सबसे पहली बात। मेरा कैरेक्टर है विकी नाम का और फिल्म बहुत ही अच्छी है, कमाल की फिल्म है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जैसा इन्होंने रूपा जी ने कहा बदतमीज़ लव है, हम लोग बदतमीज़ियाँ कर रहे थे और इंटरेस्टिंग है। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही पूरी टीम बहुत ही कॉपरेटिव, बहुत मज़ा आया। थैंक यू डामा सर, हमारे डायरेक्टर पवन सर और डीओपी राजू दादा, बहुत अच्छा काम लगा। और आई होप आप लोग को ये मूवी पसंद आएगी और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, मतलब मेरी तीसरी फिल्म है तो बहुत कुछ सीखने मिला और एक कैरेक्टर को जीने का मज़ा कुछ और होता है। जब कॉमेडी कर रहे हो और ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे साथ क्या होता है कि मेरी बातें मेरी गर्लफ्रेंड पूरी करती है, मैं आधा छोड़ जाता हूँ, वो पूरी करती है। और पूरी जर्नी बहुत ही कमाल, वो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे पंचेस हैं जो आप लोग जब देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। और पूरी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, आई होप आप लोग को पसंद आएगी। तो इस पिक्चर के लिए मैंने जो स्टोरी चुना सब्जेक्ट, तो मुझे लगा कि सस्पेंड स्टोरी है, तो उसमें नए कपल की मुझे ज़रूरत थी। उसके अंदर मुझे लगा नए कपल ही काम कर सकते हैं। सस्पेंस है, सस्पेंस में कोई अमिताभ की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े स्टार है, वहाँ तक हम नहीं है, पहुँचेंगे। और अभी कॉन्सेप्ट है, हाँ सर रूपा जी के बारे में क्या कहूँ मैं, इन्होंने इतना कोऑपरेट किया है हमको कि लगता ही नहीं है कि हम नए हैं ये पुराने हैं। ऐसा लगता कि दोनों पुराने हैं, दोनों नए हैं। एक घर जैसा रिश्ता, भाई जैसा, क्या लगता है ना कि वो हीरोनी है।